रुख करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने हमीरपुर जिला में कई नुक्कड़ सभाओं को संबोधित भी किया। रामलाल ठाकुर ने नुक्कड़ सभाओं में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के राहुल गांधी को पप्पू बुलाए जाने पर कड़ा एतराज जताया। रामलाल ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को नसीहत देते हुए कहा कि जयराम ठाकुर उनके छोटे भाई की तरह हैं और विधानसभा में कई बार इकट्ठे रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ऐसे बयानों से परहेज करें, अन्यथा आने वाले समय में उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने भी इसका पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें किसी के सलाह की जरूरत नहीं है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने आज हमीरपुर जिला की जनता को संबोधित किया। रामलाल ठाकुर ने नुक्कड़ सभाओं में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के राहुल गांधी को पप्पू बुलाए जाने पर कड़ा एतराज जताया है। रामलाल ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को नसीहत देते हुए कहा कि जयराम ठाकुर मेरे छोटे भाई हैं और विधानसभा में कई बार इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ऐसे बयानों से परहेज करें, अन्यथा आने वाले समय में मुश्किलें बन जाएंगी। जयराम जी मेरे छोटे भाई हैं, विधानसभा में हैं, हम कई बार इकट्ठे रहे हैं, लेकिन जयराम जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री है। जयराम जी को ये भी पता होना चाहिए कि जिनके लिए वो कंपेन कर रहे हैं, जब मुख्यमंत्री बनने का लफड़ा पड़ा था शिमला में, तो इन लोगों ने जयराम जी को क्या क्या शब्द यूज़ करे थे और वहाँ पर जाके बाहुबल से भी उनको डराने का प्रयास हुआ था। तो अब जयराम जी अगर ऐसे बयान दे रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा, जयराम जी अपनी पृष्ठभूमि पे देखें और मुख्यमंत्री अगर ऐसे बयान देंगे तो आगे को उनको मुश्किल आ जाएगी। अगर मान लो बहुजन समाज पार्टी और हमारे साथी जो पासवान के साथ थे वो उनको छोड़ के अगर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सारी पार्टियाँ जो है ये कांग्रेस पार्टी से ही घटक बाहर निकले हैं। विचारधारा एक है और जब विचारधारा एक है और कहीं पे अगर मान लो कोई गैप आ गया है तो आज की तारीख में अगर वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, कुछ लोग और हो रहे हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। इससे कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी और चुनाव में मैं कहूंगा जो परिणाम है उन परिणामों में भी मैं कहूंगा इनका बहुत सहयोग मुझे मिलेगा। कि अनुराग ठाकुर जी जो बोलेंगे, कोई भगवान का रूप नहीं है वो, लोगों को सबको मालूम है कि किसने क्या कर रखा है, कब कब ये पौध पड़ी है, कब कब क्या हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने इसका शुरू से भी विरोध किया है और अभी राज्यपाल महोदय को जो ज्ञापन दिया था मैं खुद उसमें शामिल था। विधानसभा में जब कानून लाने की बात आई थी तो मैं भी उसमें बोला था, मुकेश अग्निहोत्री जी भी बोले थे और हमने इस इशू को लेकर हमने वॉकआउट भी किया था। वहीं हमीरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि किसी भी बयान पर नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और रामलाल ठाकुर को जवाब देने की जरूरत नहीं समझते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मुकेश की बातों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है और पार्टी का निर्णय को लेकर मुकेश को पूछने की बात नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में हटाने और हटने की प्रक्रिया चली है, उसमें मुकेश अग्निहोत्री भी चपेट में न आ जाए। मैं उनकी बातों को लेकर के कभी गंभीरता से मैं समझता हूं कि उसमें जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी में एक व्यवस्था है, पार्टी में हमारी पार्टी का निर्णय हमारी पार्टी में होता है, उनके पूछ करके तो होना नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी में हालात चल रहे हैं हटने और हटाने के, और उसमें उनको उस चपेट में खुद ना आ जाएँ वो, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।